Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले मैं अपना इंट्रो लेना चाहूँगा. My name is Mansoor Alam and I'm a student from UT Peshawar and now doing master in mechatronics engineering. So ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और काम भी कर रहा हूँ इस पर, और वो प्रोजेक्ट रिलेटेड है कोरोना वायरस की डिटेक्शन की. इस प्रोजेक्ट में होता ये है कि हम एक्सरेज लेते हैं और उस पर अपने जो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं वो अप्लाई करते हैं, एंड ऑन द बेस ऑफ डेट हम क्लासिफाई करते हैं कि जो मरीज जिसमें कोरोना वायरस है तो वो ऑटोमेटिकली आप लोग को रिजल्ट सामने आएगा कि इस मरीज में कोरोना वायरस है कि नहीं. तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में उस पर हम और भी काम करेंगे. तो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, ठीक है, मैंने सबसे पहले इनकी जो नॉर्मल पेशेंट थी तो उनकी मैंने 25 इमेजेस ली, एंड जो वायरस से अफेक्टेड है तो उनकी मैंने 25 इमेजेस लिए और उस पर मैंने न्यूरो नेटवर्क जो है वो ट्रेन किया है. तो ट्रेनिंग तो ऑलरेडी मैंने कर ली है और उनके जो डेटा सेट्स हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. जो नॉर्मल की है वो भी 25 इमेजेस आप है, और इसी तरह की जो कोरोना की जो पेशेंट है उनकी भी 25 इमेजेस मैंने ली है. तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो इसलिए मैंने ये कम इमेजेस रखी है, और इसकी जो रिजल्ट हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. यहाँ पर मैंने एग्जांपल में कुछ इमेजेस ली है, तो ये दो जो है वो जो नॉर्मल की है और ये दो जो है वो कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड पर्सन है उनकी है. तो अभी देखते हैं कि हमारा जो ये जो एल्गोरिथम है ये किस तरह इसको डिटेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल, तो यहाँ पर भी इसने भी डिटेक्ट किया नॉर्मल. तो लेट्स सी सेकंड वन, नो लेट्स सी के सेकंड वन हमारे पास किस तरह होता है. दैट इज आल्सो नॉर्मल. अब चेक करते हैं कि जो अफेक्टेड पर्सन है कोरोना वायरस से उसके बारे में ये एल्गोरिथम क्या कहते हैं. मीन कोरोना वायरस अफेक्टेड पर्सन जो है वो डिटेक्ट हो चुका है. सो ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा उससे उस पर मैंने ये इसकी डिटेक्शन कर ली है जो नॉर्मल पर्सन की, और जो जो पेशेंट है कोरोना वायरस की तो उसकी ये डिटेक्शन हो गई है. जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था तो वो एक्चुअली बाई यूजिंग मशीन लर्निंग. तो इसके लिए डेटा सेट जो मैंने लिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, जो ट्रेनिंग में मेरे पास कोरोना की जो एक्सरेस हैं वो है और ये 1958 इसकी टोटल इमेजेस हैं. मेरे पास थी 25 लेकिन डेटा ऑगमेंटेशन से मैंने इसको बढ़ाई है 1958 तक. इसी तरह नॉर्मल सेम हुई 1958 इसकी इमेजेस हैं और निमोनिया की. अब मैंने एक और क्लास ऐड किया है निमोनिया इसमें, और ये मैंने सर से रब्ता किया था डॉक्टर मोहम्मद तफेल से, तो उसने मुझे कहा था कि कोरोना और निमोनिया की अक्सर जो चेस्ट जो एक्सरेज हैं तो वो सेम टाइप के होते हैं. इसलिए मैंने वो क्लास ऐड किया है ताकि पता चले कि इसकी डिटेक्शन सही तरह हो रही है कि नहीं हो रही. और इस तरह टेस्टिंग के लिए भी ये कोरोना और नमोनिया और नॉर्मल सेम क्लासेस. फिर मैंने कुछ इमेजेस लिए और ये आउट ऑफ द ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अलावा जो इमेजेस है कि ये ट्रेनिंग में ये यूज़ नहीं
हुई है, तो वो मैंने इमेजेस यहाँ पे ले ली है ताकि मैं अपने मॉडल को फिर चेक करूँ। और ये ग्लोबल डॉट पी वाई, ये असल में फीचर एक्सट्रैक्शन मशीन लर्निंग में जो मेन चीज़ है वो है फीचर एक्सट्रैक्शन। तो फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए जो मैंने फीचर्स लिए इनके लिए, तो वो सबसे पहले तो एच यू ह्यू मोमेंट उसे कहते हैं, द अदर वन इज़ हार्लिक, द थर्ड वन इज़ हिस्टोग्राम एफ डी एंड द लास्ट वन ई यू जी हिस्टोग्राम। तो ये जो फीचर्स ये जो कोड है ये वहाँ से जो इमेजेस है वहाँ से फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर हम क्लासीफायर डिफरेंट क्लासीफायर है मशीन लर्निंग के वो यूज़ करके वो ये जो फीचर्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको दे के ऑन द बेस ऑफ दीज फीचर्स वो क्लासीफायर हमें क्लासिफिकेशन करा के देता है तीन डिफरेंट क्लासेस की। तो ये अभी स्टार्ट है, कैनन की जो क्लासिफिकेशन हुए 90% नई बायस या इसको नई बेजियन भी क्लासिफायर भी कहते हैं 63%। इसके बाद SVM भी आएगा कि एक्यूरेसी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हमने जैसे इसकी क्लासिफिकेशन की है तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा तो हम डिटेक्शन करेंगे, और डिटेक्शन मीन कि एक्सरे में जहाँ इन्फेक्टेड एरिया होगी तो वो हम फिर फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सीटी स्कैन्स का, और उसकी फिर लेबलिंग करनी होगी क्योंकि वो बाद क्योंकि हम वो चीज़ लेके जाएंगे डीप लर्निंग पे। तो इसके रिजल्ट के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। तो ये हमारे पास जो क्लासिफायर मशीन लर्निंग के जो क्लासिफायर है तो उसकी रिजल्ट आ गई है कैनन की, NV की और SVM की। तो आप चेक कर लेते हैं कि ये क्लासिफायर जो हमारे पास जो इमेजेस हैं चेक करने के लिए कि उस पर क्या रिजल्ट देता है। ये सबसे पहले ये रिजल्ट आ गया नॉर्मल का, ये कोरोना का डिटेक्ट हो चुका है, ये भी नॉर्मल, ये भी कोरोना का, ये भी कोरोना का है नॉर्मल नॉर्मल, तो ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल। अब निमोनिया का भी मैंने जो टेस्टिंग के लिए इमेजेस डाली है, ये भी निमोनिया, ये भी निमोनिया और ये भी निमोनिया। तो ये था हमारे पास जो मशीन लर्निंग के जो हमने तीन क्लासिफायर यूज़ किए थे ऑन द बेस ऑफ दैट जो रिजल्ट हमारे पास आए थे। तो ये था मेरा सेकंड अटैम्प्ट, और मेरा जो थर्ड अटैम्प्ट वो है सिंपल वही न्यूरल नेटवर्क, बट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन उसमें ये आई है कि एक तो नमूना क्लास ऐड हो गया है और दूसरा डेटा कमेंटेशन से इसकी जो डेटा है मीन इमेजेस उसको मैंने बढ़ाई है 1995 तक। डेटा कमेंटेशन से होता ये कि आपके पास डेटा इंक्रीज होता है तो उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है और इमेजेस जो आपके अननोन इमेजेस पे क्लासिफिकेशन की रिजल्ट अच्छी आ रही है। तो अब देखते हैं इसको,
जी मैंने फर्स्ट इमेजेस इमेजेस में से जो फर्स्ट इमेज है ये कोरोना की, तो मैंने डाली है। अब देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह होते हैं। ये देखिए डिटेक्ट हो चुका 92% करोना, इसकी डिटेक्शन की जो परसेंटेज है, बाकी इसकी जो एक्यूरेसी की परसेंटेज है वो मैं बाद में दिखाता हूँ, लेकिन पहले ये दूसरे इमेजेस चेक करते हैं। अच्छा, तो दूसरा हम कौन सा नमोनिया की चेक करते हैं, ये वाली। और ये जे बी जी फॉर्मेट है, वो जे पी जी है। हम देखते हैं कि नमोनिया पे हमने वो जो इनपुट इमेज नमोनिया एक्सरे की डाली है, तो ये हमें कैसे रिजल्ट देते हैं 93 पर। ये देखते हैं हम, ये नमोनिया मीन की इसकी ट्रेनिंग सही तरह हो चुकी है और ये हमें सही तरह रिजल्ट अभी दे रहा है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी जो लॉसेस और ट्रेनिंग लॉसेस हुई। ये लो, ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये हमारे पास है ट्रेनिंग लॉस। ट्रेनिंग लॉस ऑलमोस्ट 0.02 तक आ चुकी है। अगर हम इसकी इपॉक बढ़ाते और साथ में डेटा एगमेंटेशन अगर और कर दे, मतलब डेटा को बढ़ा दे सिटी स्कैन के इमेजेस को, अगर हमारे पास ज़्यादा आ जाए तो इसकी लॉस और भी ज़्यादा कम हो सकती है, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा यही स्टेप होगा। और ये जो है ये वैलिडेशन लॉस है, ठीक है, और ये जो है ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, ये वाली। और ये इसकी जो नीचे है ये वाली, ये है वैलिडेशन एक्यूरेसी, ये भी ऑलमोस्ट 90 से अबव हो चुकी है। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन एंड ईपॉक के ज़रिए इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ाऊँगा, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इंशाल्लाह। सो लेट्स सी देन।